आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अमेजन पे की मदद से इलेक्ट्रिक बिल या फिर जो है बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है अमेजन पे की मदद से कैसे बिजली का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा किया जाता है, कैसे भरा जाता है, कैसे पेमेंट किया जाता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अमेज़न एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो आप यहां पे देख सकते हैं, ये रहा हमारे फ़ोन के अंदर अमेज़न का एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन के अंदर अमेज़न एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको नीचे के साइड में 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको अकाउंट वाले बटन को क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नीचे के साइड में 3 लाइन शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों ऊपर के साइड में शो करेगा। जहां कहीं भी शो कर रहा है वहां पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अकाउंट वाले बटन को क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहां पे आ जाते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे सिंपली आपको नीचे के साइड में जाना है और यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अमेज़न पे। सिंपली आपको यहाँ पे अमेज़न पे UPI वाले बटन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने अमेज़न पे का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपने बैंक अकाउंट लिंक करके अमेज़न पे का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अमेज़न पे से इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन के अंदर फिलहाल बना हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद अमेज़न की मदद से बिजली बिल को जमा करने के लिए भरने के लिए नीचे के साइड में आपको जो एक्सप्लोर का बटन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है पे बिल का। अब यहाँ पे बिल के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इस पे आप क्लिक कर देते हैं ऊपर के साइड में आपसे पूछेगा स्टेट पे आपको क्लिक कर देना है और आपका कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा बिहार है, हम यहाँ पे बिहार क्लिक कर देते हैं। अगर आपका आसाम, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे काफ़ी सारा स्टेट है, जो भी आपका स्टेट हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे बिहार पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद नीचे के साइड में आपको एक और सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर जो है सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पर से भी आपका बोर्ड पूछेगा। तो हमारा यहाँ पे बोर्ड है नॉर्थ बिहार, अगर आपका साउथ बिहार है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक CA नंबर होता है। अगर आपको मालूम नहीं है CA नंबर क्या है तो दोस्तों आपका पहले वाला जो बिल है उस पर लिखा होगा CA नंबर, या फिर आपका मीटर के ऊपर लिखा होगा 16 अंक का कंज्यूमर नंबर CA नंबर, आपको वाला नंबर यहाँ पे डालना है। सो यहाँ पे चलिए हम अपना CA नंबर डाल देते हैं। दोस्तों जैसे आप यहां पे अपना CA नंबर डाल देते हैं उसका सिंपली आपको फीज बिल का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका बिजली का बिल कितना आया हुआ ये बता देगा और यहां पे जितना भी आपका बिजली का बिल आया होगा यहां पे शो कर देगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो है नाम भी आ गया, बिजली बिल भी आ गया, कब तक पेमेंट करना है वो भी आ गया। सो यहाँ पर सिंपली पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू वाले बटन को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके अमेजन पे बैलेंस के अंदर इतना रुपया है जितना कभी आपका बिल आया हुआ है तो सिंपली आप स्वाइप अप पे क्लिक कर दे, इस प्रकार से आप कीजिएगा तो आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं दूसरा जगह से पेमेंट करना UPI से या फिर कहीं और से तो सिंपली आपको चेन पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों क्लिक करते कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है अमेजन पे बैलेंस और दूसरा ऑप्शन है अमेजन पे UPI जो कि मैंने लिंक कर रखा है। अगर आपको जो है ATM कार्ड से पेमेंट करना है तो एड डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कोई और UPI से करना है तो यहाँ पर क्लिक करके उस UPI का जो है ID आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी सारा ऑप्शन है। सो यहाँ पर सिंपली हम क्लिक कर देते हैं, हमारा जो है यहाँ पर एक लिंक है UPI, इस पर क्लिक कर देते हैं। और साथ ही साथ ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ, यानी कि हमारा अमेज़न पे बैलेंस से भी कुछ पैसा कटेगा जितना रुपया है, बाकी का पैसा हमारा यहां से कटेगा। अगर आप चाहते हैं फुल पेमेंट यहीं से करना तो यहां पे क्लिक रहने दीजिए, इसको अनटिक कर दीजिए। फिलहाल हम दोनों रहने देते हैं और यहां पे सिंपली आपको प्लेस ऑर्डर एंड पे वाले बटन को क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक कर देते हैं, यहां पे क्लिक करते आपका जो है UPI का पिन मांगेगा, जो भी आपका पिन होता है पिन डाल दीजिए। पिन दोस्तों जैसे आप डाल दीजिएगा आपका बिजली का बिल पेमेंट हो जाएगा। सो आप यहां पे देख सकते हैं हमारा पिन मांग रहा है, चलिए हम यहां पे अपना पिन डाल देते हैं। दोस्तों UPI पिन डालते ही सिंपली आपको ओके वाले बटन को क्लिक कर
कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप ओके वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, आपका पेमेंट हो जाएगा बिजली बिल का। और फाइनली जो है आपका पेमेंट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा बिजली बिल का जो है पेमेंट हो गया। और जितना रुपया का भी आपको पेमेंट करना है यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से अमेजन की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका पेमेंट हो जाता है कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपका बिजली का बिल पेमेंट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।